हाय फ्रेंड्स, नंदिनी त्रिवेदी हियर। सबसे पहले तो हैप्पी मदर्स डे। आज का दिन बहुत अच्छा है और हम चाहते हैं कि माँ की कृपा हम सब पर बनी रहे। आज के सेशन में मैं दो नए गाने लेके आई हूँ, क्योंकि पिछले हफ्तों में मैंने जो राग बेस्ड फिल्म सॉन्ग्स के वीडियोस अपलोड किए तो कई फ्रेंड्स ने पूछा कि नए गानों में राग होता है। तो मैं कहूँगी कि बिल्कुल होता है, नए गानों में भी राग है। इवन अरिजीत सिंह के गाने में भी कई कहीं हमें राग दिखता है, जैसे लाल इश्क रामलीला का है, उसमें प्योर यमन कल्याण है। पर आज के जो ज़्यादातर गाने हैं उसमें एक राग ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मॉडर्न म्यूजिक में इंस्ट्रूमेंटेशन का बहुत प्रयोग बहुत होता है, वेस्टर्न कोड्स यूज़ किए जाते हैं, तो उसमें एक राग नहीं लेकिन दो तीन रागों की झलक हमें दिखाई देती है। तो आज जो यंगस्टर्स का हार्ट थ्रॉब अरिजीत सिंह है, उनके दो गाने पेश करेंगे यंग सिंगर्स आशीर पंड्या एंड ईशा त्रिवेदी। दे बोथ आर बिलोंग टू माय फैमिली। और वो दोनों आज अरिजीत सिंह के गाने सुनाएंगे, और वो गाने कौन से राग के ऊपर आधारित है उसके बारे में मैं बाद में बताती हूँ। तो पहले सुनिए गाना। जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ मां। एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ मां। माई रे माई रे, तेरे बिन मैं तो अधूरा रहा। माई रे माई रे, मुझसे ही रूठी मेरी परछाई, मेरी परछाई मेरा ख्याल। माई तेरी चुनरिया लहराई, जीना जीना रे उड़ा गुलाल। माई तेरी चुनरिया लहराई, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चुनरिया लहराई। जब जब मुझ पे है उठा सवार, माई तेरी चुनरिया लहराई। जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग इट इज। क्या कमाल गाया है अरिजीत सिंह ने। इस गाने में जैसे जान डाल दी है, माई तेरी चुनरिया लहराई, बहुत ही खूबसूरत गाना है। और ये गाना है राग चारुकेशी के ऊपर आधारित। राग चारुकेशी कर्नाटक संगीत से हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में लिया गया है और बहुत मधुर राग है। उसमें सातों स्वरों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन धैवत एंड निषाद धा और नी कोमल लिए जाते हैं। तो ये चारुकेशी राग का चलन कैसा है वो हम पहले सुनते हैं, देन यू कैन रिलेट टू दैट सॉन्ग। धनी सारे गा मारे रे गा था राग चारुकेशी का चलन। और चुनर के बारे में मैं कहूँ तो इस गाने को पहले गुजराती में कंपोज किया गया था, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ देख के सचिन जिगर ने मयूरपुरी से हिंदी में लिखवाया, और अरिजीत सिंह ने तो क्या गाया है इस गाने को। तो आज के दिन के लिए ये बहुत एप्ट गाना है। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि इसमें मिश्रण कैसे किया गया है। तो चारुकेशी से स्टार्ट होता है, कहीं कहीं बीच में आहिर भैरव भी दिखता है, और इंटरल्यूड्स जो गानों के बीच में म्यूजिकल पीसेस आते हैं
वो तो बिल्कुल अलग है, वो राग देश के ऊपर आधारित है। तो ये तीन रागों को मिला के चुनर बनाई गई है और बहुत लाजवाब, बहुत सुंदर है। तो जब भी आप चुनर गाओ तो याद करना कि इसमें तीन रागों का मिश्रण है। अब हम दूसरा गाना सुनते हैं, वो भी अरिजीत सिंह का है और उसे पेश कर रही है ईशा त्रिवेदी। ईशा त्रिवेदी जिस गाने को पेश करने जा रही है वो कौन से राग के ऊपर है वो हम गाना सुनने के बाद सुनेंगे। तो सुनिए ये गाना। हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी मैं तेरा बादल पिया, जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, दीवानी तू मेरी मैं तेरा पागल पिया, हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है एक राजा और हीर जैसी, न जाने ये जमाना क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया, दुनिया की नजरों में ये रोग है, हो जिनको वो जाने जोग है, एक तरफा शायद हो दिल का भरम, दो तरफा है तो ये संजोग है, लाई रे हमें जिंदगानी की कहानी ऐसे मोड़ पे, हुए रे खुद से पराए हम किसी से नैना जोड़ के, हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है एक राजा और हीर जैसी, न जाने ये जमाना क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। अभी अभी आपने फिल्म कलंक का टाइटल ट्रैक सुना। इस गाने में पैथोस है, डिवोशन है एंड एक्सेप्शनली रोमांटिक सॉन्ग। ये गाना कंपोज किया है प्रीतम ने और गाया है अरिजीत सिंह ने। अभी आपको ईशा ने सुनाया। एक्चुअली ये गाना सेलिन डियोन ने द प्रेयर करके एक बहुत सुंदर गाना गाया है, उस गाने की इन्फ्लुएंस ये गाने पे है ऐसा भी मुझे लगता है। तो ये गाना कौन से राग पे है, मैंने भी बहुत कोशिश की कि इसमें से कौन सा राग है वो मैं ढूंढ पाऊँ, पर इट वॉज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि कहीं मुझे दुर्गा दिखाई देता था, कभी कभी कोमल स्वर थे तो शिवरंजनी जैसा लग रहा था। देन आई आस्क्ड वन ऑफ माई फ्रेंड संजीव चिमलगी, जो क्लासिकल म्यूजिक के बहुत बड़े सिंगर है, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि नए गानों में भी राग कहीं कहीं होता है, पर ज़्यादातर वो थाट बेस्ड होते हैं और थाट में बहुत सारे रागों का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये गाने में भी तीन चार रागों का प्रयोग किया गया है, उसमें उन्होंने भी ऐसा देखा कि कहीं कहीं मिश्र पहाड़ी है, कहीं दुर्गा है, और सा को बेस बना के गाया जाए तो गुणकली है। तो इसमें तीन चार रागों की छाया है, तो हम नहीं कह सकते हैं कि इट इज़ बेस्ड ऑन वन राग, पर इसमें अंतरा में तो उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई कि आजकल के म्यूजिशियंस और सिंगर्स पेंटाटोनिक स्केल का प्रयोग करते हैं,
उसका मतलब ये है कि सात स्वरों से एक स्केल बनता है, मंद्र मध्य अंतार सप्तक। लेकिन आजकल के म्यूजिशियंस जो हैं वो पांच स्वरों को लेके एक स्केल बनाते हैं और उसी में से गाना क्रिएट करते हैं। तो कभी कभी टू पेंटाटोनिक स्केल यूज होता है, तो फ्रेजेस उसमें से लिए जाते हैं, नोट्स लिए जाते हैं, तो ऐसा करके एक गाना क्रिएट किया जाता है। और अरिजीत सिंह तो ज़्यादातर कोड पे ही काम करते हैं। कोड का मतलब ये है कि बहुत सारी नोट्स को एक साथ बजाया जाए तो एक साउंड क्रिएट होता है और इससे गाना बहुत इम्पैक्टफुल बनता है। तो जो गाने में वेस्टर्न टच है उसमें कॉर्ड्स का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो ये गाना बेसिकली तीन चार रागों का मिश्रण है। तो आज मैंने आपको दो गाने सुनाए, एक था राग चारुकेशी के ऊपर आधारित, मेनली बेस चारुकेशी था। इसमें तो ये हवाओं में बहेंगे में तो कहीं हम नहीं कह सकते हैं कि कोई एक राग है, पर बहुत सारे रागों को मिला के एक खूबसूरत नजराना पेश किया है प्रीतम ने, और अरिजीत ने तो बहुत लाजवाब गाया ही है। तो अगर आप सिंगर बनना चाहते हैं तो यू मस्ट लर्न क्लासिकल म्यूज़िक, क्योंकि अरिजीत सिंह ने भी 3 साल की छोटी उम्र से क्लासिकल म्यूज़िक सीखना शुरू किया, तब जाके वो आज 3 घंटे तक नॉनस्टॉप गा सकते हैं। तो बस आज स्पेशली यूथ के लिए मैं दो नए गाने लेके आई थी। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू आशीर एंड ईशा फॉर जॉइनिंग मी, और अगले हफ्ते मिलेंगे कोई एक नए राग के साथ। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टे म्यूजिकल।